तो चलिए, लाल आतंक के खिलाफ जंग जो बेहद जरूरी है, क्योंकि झारखंड के गुमला जिले के मरवा गांव में भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच सुबह से ही मुठभेड़ लगातार जारी है। हालांकि लाल आतंक के खिलाफ पुलिस को सफलता जरूर हाथ लगी है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी और पुलिस को मार गिराया। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली रुक रुक कर वहां पर फायरिंग कर रहे हैं। सोमवार की सुबह से ही जंगलों में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। पुलिस ने घटनास्थल से उग्रवादी का शव बरामद किया। एसपी अरदीप पी जनार्दन ने बताया कि एक माओवादी मारा गया। पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन लगातार अभी चला रही है। पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़, जबरदस्ती यह सिलसिला अभी भी जारी है। छप छप कर माओवादी लगातार हमला बोल रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये दौर जारी है, लेकिन कहीं पर भी ढिलाई नहीं बरती हमारे पुलिस के जवानों ने। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये नक्सली, लेकिन मुस्तैदी इतने पुलिसकर्मियों की कि इनकी मुस्तैदी उसके सामने फीकी पड़ी। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमले में इस्तेमाल होने वाले सामान, शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, सुबह 8 बजे से जबरदस्ती मुठभेड़ जारी है, ताजा अपडेट क्या कुछ है शुभम? क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल होने के क्षेत्र और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी झारखंड शुरू से रहा है। इसी कड़ी में आज गुमला के 20 किलोमीटर दूर कुरमुगढ़ गांव में आज नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात में कह सकते हैं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि अभी और लोगों की तलाश की जा रही है। एक नक्सली की मारे जाने की भी सूचना है और खुद वहां के गुमला के एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। एसएसपी के निर्देश पर, एसएसपी बीके मिश्रा के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को किया गया और सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। अगर सर्च बात करें तो समय की बात करें तो सुबह 8 बजे ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है अभी गांव इलाके के लोग पूरे सहमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर शुरू से एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है गुमला। उसके बाद जितने भी लोग वहां रहते हैं वो अपने घरों पर छिप के रहे हैं। कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर बरकरार है, लेकिन वहां के एसपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है वहां की जनता से कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और पूरी तरीके से पुलिस की वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये सूचना मिल रही है कि कुछ नक्सली अभी भी उस जंगल में फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जी, लेकिन शुभम, इतनी बड़ी प्लानिंग रणनीतियां नक्सली बना लेते हैं और कानोकान खबर नहीं होती, जब ये हमला करते हैं तब पता चलता है कि ओह ये तो बड़े फिराक में थे आज के दिन हमला करने के, कैसे संभव हो पाता है शुभम? बिल्कुल सागर, ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और झारखंड में नक्सली वारदात आम वारदात जैसे अब लोग देखते हैं, क्योंकि आए दिन हर 2 दिन हर 3 दिन पे खबर सामने आती है कि जहां पर नक्सली मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस के जवान भी घायल होते हैं, कोई जवान शहीद भी हो जाते हैं। तो कह सकते हैं झारखंड शुरू से ही नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से प्रयास कर रही है। कैसे इस कह सकते हैं, क्योंकि विकट परिस्थिति है, कोरोना के समय में भी ऐसे घटनाओं का सुनना और घटनाओं का सामने आना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की मुस्तैद आज एक नक्सली को ढेर किया गया है, कह सकते हैं पुलिस अपने तरफ से पूरी तरीके से काम कर रही है। बस कमी है तो सिर्फ जागरूकता की है। जागरूकता अगर फैल जाएगी सभी लोगों के बीच तो शायद कोई व्यक्ति नक्सली बनने को तैयार नहीं होगा कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली जुटे हुए थे।